नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि लक्ष्मी किस तरीका से रोती हुई नजर आ रही है और लक्ष्मी इतनी इस कदर रो रही है ऋषि से गले लग लग के लपेट लपेट के। आप लोग जानते ही हैं कि उसका रोना दोस्तों वाजिब भी है, क्योंकि लक्ष्मी ने अपना बेटा खोया था, बच्चा खोया था। और यहाँ पर लक्ष्मी ऋषि से बोलती हुई नजर आ रही कि ऋषि, मैंने अपने जीवन में कितने दुख देखे हैं, तुम कभी फील भी नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है। उधर दोस्तों अभी भी वो गुंडा बलविंदर लगातार ऐसे ऐसे एक्टिविटी कर रहा है कि जो उसे करने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लक्ष्मी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि वो बोलता नजर आ रहा है कि मैं यहाँ से लक्ष्मी को लेकर जाऊँगा चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि आखिरकार इतना घटिया और इतना ज़्यादा गिरी हुई साजिश खाली बलविंदर ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आयुष ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर कोई भी हादसा हमारे अपनों के साथ में नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से ना ही लक्ष्मी जाएगी ना ही यहाँ से सालू जाएगी, क्योंकि वो सभी के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है आयुष। ऋषि और आयुष एक ऐसे हैं कि चाहे कोई कितना भी लक्ष्मी और सालू के खिलाफ चला जाए, लेकिन ऋषि और आयुष ने साथ दिया था और अभी भी वो साथ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीका से एक्टिविटी एक अलग ही तरीका से दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों एक और भी खबर मिल रही है इस समय की, जब यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है ऋषि। ऋषि ने बोला है कि लक्ष्मी इस परिवार की हिस्सा पहले भी थी और इस परिवार का हिस्सा वो आज भी है। लक्ष्मी को हर वो सुविधाएं दी जाएंगी जो इस परिवार के हर एक सदस्य को मिल रही हैं। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, धन्यवाद।